सुनीता मूवीज की एक बड़ी शौकीन लड़की थी। उसे जब जहाँ भी मौका मिलता वो बस बैठकर मूवी देखने लगती थी। हालांकि उसके पास अक्सर पैसों की किल्लत रहती थी क्योंकि उसकी माँ लोगों के घर पर झाड़ू पोछा करती थी। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चारू। एक दिन मीरा चारू से मिलने उसके घर गई हुई थी। अरे प्रीता, पता है तुझे एक बहुत अच्छी मूवी लगी है इस बार थिएटर में, मैं आज ही देख कर आई हूँ। हीरो ने क्या काम किया है, और तो और इतना सस्पेंस था मूवी में कि बता पाना मुश्किल था कि कब क्या हो जाएगा। वाह भाई वाह, मूवी हो तो ऐसी। चारू प्रीता को जलाने के लिए जानबूझकर उससे ऐसी बातें करती थी। ओह माफ करना, मैं भी तुझे क्या बताने लगी। अरे तूने थोड़ी ना देखी होगी वो मूवी, और ना ही देख पाएगी। तुझे तो कम से कम एक महीने का इंतजार करना पड़ेगा जब मूवी टीवी पर आ जाए, तब तू आराम से देखना। प्रीता को चारू की बात पर बहुत गुस्सा आया। एक महीने बाद क्यों, मैं तो अभी देखूंगी, जा रही हूँ माँ से पैसे मांगने, वो मुझे जरूर दिखाएगी वो मूवी। जा जा और खा अपनी माँ से मार। प्रीता वहाँ से गुस्से में बड़ी बड़ी बातें करके चली तो जाती है, मगर ये उसे भी पता था कि उसकी माँ उसे मूवी नहीं दिखाने वाली। उसी दिन रात के समय लगे हुए शो को देखने के लिए प्रीता थिएटर के बाहर जाकर खड़ी होती है और सोचती है कि किसी तरह से वो मूवी हॉल में घुस जाएगी। यहाँ इतनी भीड़ है किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं जल्दी से अंदर घुस जाती हूँ। प्रीता अंदर घुस जाती है मगर गार्ड उसे देख लेता है। ओए लड़की, कौन हो तुम और अंदर कैसे घुसी, चलो अपना टिकट दिखाओ। टिकट? ओह टिकट, वो तो मेरे पास नहीं है। क्या, अगर टिकट नहीं है तो बाहर निकलो यहाँ से। प्रीता चुपचाप वहाँ से उदास होकर चली जाती है। तभी प्रीता जिस सुनसान रोड से गुजर रही होती है वहाँ उसे एक बड़ा सा थिएटर दिखाई देता है, और उस थिएटर के बाहर उसी नई पिक्चर का पोस्टर भी लगा हुआ था। अरे ये क्या, ये कौन सा थिएटर है, ये तो पहले कभी नहीं देखा मैंने, लगता है नया खुला है, मगर ये इतना खाली खाली क्यों है। प्रीता आगे बढ़ती है और थिएटर के अंदर चली जाती है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मगर अच्छा है ना, मैं आसानी से अंदर चली जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे अंदर तो कोई मूवी भी चल रही है। प्रीता मूवी देखने के लालच में जल्दी से थिएटर में घुस जाती है और चुपचाप एक सीट पर जाकर बैठ जाती है। पूरा थिएटर खाली था, सामने जो मूवी चल रही थी उसमें बहुत सारे भूत दिखाई दे रहे थे। ये तो काफी अजीब सी मूवी है, मैंने तो कभी इसके बारे में किसी से नहीं सुना, ये सब तो अजीब अजीब से भूत और चुड़ैल है, क्या ये कोई हॉरर मूवी है क्या। मुझे हॉरर मूवीज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तभी अचानक से सामने की स्क्रीन से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। ओ तो ऐसी बात है, तुझे भूतों और चुड़ैलों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है ना। ये क्या हो रहा है, ये चुड़ैल बाहर कैसे आ गई, ये तो असली की चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ, तू तो डर गई। क्या तुम सचमुच की चुड़ैल हो क्या। हाँ, और ये मेरा थिएटर है, भूतिया थिएटर। और तू अब यहाँ फंस गई है, अब तुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। एक तरफ डर के मारे प्रीता की हालत खराब हो रही थी और दूसरी तरफ चारू उसके घर जा पहुंची थी। अरे आंटी प्रीता कहाँ है। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, प्रीता तो अभी तक घर ही नहीं आई है, देखो कितना अंधेरा हो गया है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। क्या अभी तक घर नहीं आई, मगर वो मुझसे मिलकर कब का घर जाने के लिए निकल गई थी। अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। चारू प्रीता के घर से सीधा थिएटर की तरफ चल देती है, क्योंकि उसे पता था कि प्रीता पक्का थिएटर ही गई होगी। ये प्रीता भी ना मूवीज के इतनी शौकीन है कि बिना कुछ सोचे समझे इतनी रात को मूवी देखने निकल पड़ी। चारू थिएटर के पास पहुंचकर गार्ड से कहती है, अब आपने यहाँ किसी लड़की को देखा है क्या, वो मूवी देखने की कोशिश कर रही होगी लेकिन शायद उसके पास टिकट नहीं रहा होगा। हाँ हाँ, एक लड़की आई तो थी पर मैंने उसे भगा दिया था, हमारा समय खराब कर रही थी, वो वहाँ उस तरफ गई थी। चारू भागी भागी उस रास्ते पर जाती है जहाँ गार्ड ने प्रीता को जाते हुए देखा था। ना जाने प्रीता कहाँ होगी, मुझे उससे मूवी की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या बताऊंगी सबको। तभी चारू को सामने एक बड़ा सा थिएटर दिखाई देता है। ये क्या, यहाँ तो पहले कोई भी थिएटर नहीं हुआ करता था, और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। चारू थिएटर की पीछे वाली खिड़की से झांक कर देखती है और अंदर का नजारा देख कर दंग रह जाती है। अंदर प्रीता थी और साथ में एक बहुत डरावनी चुड़ैल भी। अरे नहीं, ये तो प्रीता है, और ये थिएटर तो भूतिया है, ये प्रीता यहाँ कैसे फंस गई, मुझे कुछ न कुछ करके इसे बचाना ही होगा। तभी प्रीता चारू को खिड़की के बाहर खड़ा देख लेती है।
लेकिन चारू उसे इशारा करके चुप रहने को कहती है। चारू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भागकर वापस पहले वाले थिएटर में जाती है। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, पास में एक नया थिएटर खुला है जहाँ पर आधे दाम पर टिकट मिल रहा है। चारू की ये बात सुनकर थिएटर में हल्ला मच जाता है और सभी लोग भागे भागे चुड़ैल के थिएटर में पहुँच जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, क्या इस थिएटर को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया होगा, यहाँ पे मूवी लगी है। अरे और क्या, देखो तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? अंदर बहुत अच्छी मूवी चल रही है। ओ जल्दी करो वरना थिएटर फुल हो जाएगा, अंदर जाओ, अंदर ही टिकट मिल रहा है। चारू की बात सुनकर सभी लोग भागते हुए अंदर जाते हैं, मगर अंदर पहुँचते ही सबको चुड़ैल अपने सामने दिख जाती है। ओ लगता है कि कोई हॉरर मूवी लगी है और ये टिकट बेचने वाली औरत ने इसीलिए ऐसा गेटअप बना रखा है। लाओ लाओ जल्दी से मुझे दो टिकट दे दो। हाँ हाँ मुझे भी एक टिकट दे दो, मुझे फ्रंट रो में पहली सीट देना। हाँ नहीं नहीं मैं पहले आया हूँ, मुझे टिकट पहले मिलेगा। और तभी भीड़ में खड़े सब लोग इस बात पर आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन पहले टिकट खरीदेगा। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे तुम मुझसे 10-20 रुपया ज्यादा ले लो पर टिकट मुझे पहले दे दो। क्या कैसा टिकट, कौन हो तुम सब, यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही है, चलो भागो यहाँ से। अरे एक तो हमें यहाँ बुलवाया, ऊपर से अब हमें भगा रही हो। तुम सब सीधी तरह जाते हो या मैं अपना कमाल दिखाऊं? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम में से एक भी यहाँ से वापस घर नहीं जा पाएगा। तुम हमें टिकट नहीं बेचना चाहती थी तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा समय क्यों खराब किया? मैं तो कहती हूँ इसे पकड़ो और मारो, इसी ने हमारा इतना नुकसान कराया है। हाँ अब तुम्हारी वजह से हमें वापस जाके भी टिकट नहीं मिलेगी, सब तुम्हारी ही गलती है। क्या नहीं नहीं, चुड़ैल वहाँ से बचकर भागने लगती है कि तभी भीड़ में खड़े लोग उसे पकड़ लेते हैं और जमकर पीट देते हैं। मौके का फायदा उठाकर चारू प्रीता के पास जाती है। प्रीता बहुत डरी हुई थी। अरे प्रीता अब यहाँ बैठकर तमाशा क्या देख रही हो, चलो भागो यहाँ से। प्रीता चारू के साथ मिलकर वहाँ से भाग जाती है और चुड़ैल को पीटने के बाद भीड़ भी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान यकीन नहीं होता कि मैं आज एक भूतिया थिएटर में जाकर फंस गई थी। वो तो मैं सही समय पर आ गई, वरना आज तो तुम गई थी। प्रीता बताओ अब कौन सी मूवी देखनी है तुम्हें? ओ वैसे मैं तुम्हारे लिए ये सीडी लाई थी, इसमें वही मूवी है जो तुम देखने गई थी। ना बाबा ना, आज के बाद से मैं हमेशा हमेशा के लिए मूवी देखना छोड़ रही हूँ। फिर प्रीता दोबारा कभी भी मूवी देखने का नाम ही नहीं लेती।